अजमेर से आए पेंशन, वो बोल रहे आए मुख्यमंत्री योजना के पैसे। कितनी देर हो गई आपको लाइन में खड़े होते हुए? लाइन में सुबह का आए हुए बहुत टाइम हो गया। कौन सी बैंक में आप खड़े हो? दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। मैं आया 7 बजे का, वो 8:30 बजे का। काफी लंबी लाइन भी लगी हुई है यहाँ पर। हाँ, बैंक कर्मचारी डील कर रहे क्या है? अब क्या पता, अंदर मालूम पड़े जाने से। तो ठीक, आपका नाम? मान सिंह। कहाँ से आए हो? आना सागर घाटी गंज कमला बाबड़ी बाबू का वार्ड नंबर 24। पेंसिल के पैसे लेने आए 500 रुपये। कितनी देर से आप लाइन में खड़े हो? 500 रुपये ले पाया बैंक में, विधवा पेंसिल। अच्छा, आप कितनी देर से लाइन में खड़े हो? 2 घंटा हो गया। अच्छा, और बैंक में किस तरह से बुलाया जा रहा है, एक एक करके? दो दो करके, दो दो दिन में बुला रही है। ठीक है, आपका नाम है? नाम क्या? फूलवंती। देना बैंक में आए भैया, जो सरकार ने 500 रुपये डाले हैं उसके निकालने के लिए आए हैं। 500 रुपये, देखो कि दूध लाना है, आटा लाना है, शक्कर लानी है, घर में बंद रहना है। घर में कुछ काम तो है नहीं, और कुछ काम हम कर नहीं सकते, घर से बाहर निकल नहीं सकते। सब्जियों के दाम देखो तो काला बाजारी इतनी चल रही है कि जो 5 रुपये की चीज़ है वो 10 रुपये में मिल रही है। कोई काला बाजारी को रोकने वाला कोई भी नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं कहता कि सरकार, पुलिस इतनी कर्मचारी घूम रही है लेकिन उन काला बाजारी वालों को बंद नहीं कर सकते। जहाँ दूध पहले 22 रुपये का मिलता था, अब 30 रुपये का मिल रहा है। आप अभी बैंक में पैसे लेने आए हो, आपको कितनी देर होगी लाइन में खड़े होते हुए? तो सुबह से खड़े भैया 8 बजे से, पुलिस वाले ने दूरी जो मेंटेन करी है उसको करते करते लगता है रेलवे स्टेशन तक लाइन चली जाएगी आज। आपका नाम बताइए। रेखा। कहाँ से आप? गंज कमला बावड़ी से। कुछ खाने वाने की सुविधा भी आप लोग तक पहुँच रही है? नहीं पहुँच रही है, कुछ भी नहीं पहुँचा भैया। किस जगह से रहते हो आप? गंज कमला बावड़ी। ये बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक का मर्जर हुआ है, तो देना बैंक के जो ग्राहक हैं लोंगिया मोहल्ला और उस तरफ से आए हैं, इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना का कोई पैसा आया हुआ है, वो पैसा प्राप्त करने ये लोग आए हैं। काफ़ी लोग आ गए थे, इसलिए इनको उचित दूरी बनाते हुए इनका लाइन लगवाई है। और मैंने जिस हिसाब से बात की तो अपने बैंक के अंदर जो भी इनका सिस्टम है उसे जल्दी से जल्दी इनको पैसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ देखने को मिली अभी काफ़ी, किस तरीके से भीड़ को संभाला? प्रॉपर डिस्टेंस बनवाया है और क्यू बनवाई है, और भीड़ है, इनका पैसा है, ये लेने आए हैं तो इनको मना भी नहीं कर सकते, इनको जरूरत है, और उचित दूरी बनाए रखते हुए ये काम करवा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुँह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।